पति चुनाव को लेकर के बिहार विधानसभा परिसर में मतदान की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। आइए हम सीधे बात करते हैं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी से, जिन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है इस चुनाव की और अब जदयू के अधिकांश विधायकों ने वोट दे दिया। अब केवल मात्र दो विधायक बचे हुए, दामोदर राउत और रिंकू सिंह। हम सीधे श्री चौधरी जी से बात करते हैं। सच पूछते हैं तो दोनों उम्मीदवारों में कोई मुकाबला है ही नहीं, कोई कंटेस्ट नहीं है। सिर्फ एक तकनीकी औपचारिकता है कि 21 तारीख को मतगणना होनी है और नतीजे उसके बाद ही घोषित हो सकते हैं, इसीलिए हमको और आपको 21 तारीख तक इंतजार करना है, वरना नतीजे तो आज ही घोषित हो गए। चाहे बिहार में जो मतदान का ट्रेंड रहा है या दूसरे प्रदेशों से जो सूचनाएं मिल रही हैं, संसद भवन से जो सूचनाएं मिल रही हैं, इससे स्पष्ट लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है। मेरे समझ से ये बिल्कुल अनुचित है इस मायने में कि द्रौपदी मुर्मू पहले से ही कई जिम्मेदारी के पदों पर रहकर उन्होंने अपनी योग्यता दक्षता का इस रूप में परिचय दिया है कि वो कोई भी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभाने में न सिर्फ सक्षम हैं बल्कि उस दृष्टिकोण से उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। जेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं झारखंड में, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया, आखिर इसकी क्या वजह सकती है? बिहार में उन्होंने यशवंत सिन्हा को वोट दिया और झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को। नहीं, उनके साथ क्या बात हुई वो तो हम नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जो भी संवेदनशील मतदाता होगा, जो भी देश हित में और अच्छे उम्मीदवार के लिए सोचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को ही अपना पहली वरीयता का मत देगा। ये एक तरह से स्पष्ट, मतलब बिहार में क्रॉस वोटिंग हो सकता है। अब क्रॉस वोटिंग होगा नहीं होगा, अगर जिनको उम्मीदवार जो अच्छा लगेगा मतदान करते रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो वोट है उससे अधिक भी आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने इस अभियान को पूरी तरह से देखा है, नजदीक से आपने रणनीति बनाई है। ये लगने नहीं लगने की बात नहीं है, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर हमें जो मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। निश्चित रूप से तो ये हैं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, और इनका मानना है कि जितनी वोट की संख्या है उससे अधिक भी इनको वोट मिल सकता है और द्रौपदी मुर्मू की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश में पटेल।